फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक अच्छी कहानी। वो है स्नो वाइट की। तो ना, बहुत बड़े जंगल में ना एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी एक बच्ची हुई थी। तो वो गोरी चिट्टी बहुत थी, तो उन्होंने उसका नाम रखा स्नो वाइट। उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाती है। तो एक दिन राजा किसी और लड़की से शादी कर लेता है, तो वो रानी बन जाती है। तो वो पूछने लगती है, जादू आई ने बता सबसे सुंदर कौन है। वो बोलता है, तुम ही हो सबकी अच्छी रानी। तो ना स्नो वाइट बहुत बड़ी हो जाती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो एक दिन उसकी माँ बोलती है शीशे से, जादूयाई ने बता सबसे सुंदर कौन है। वो बोलता है स्नो वाइट। को उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है, आज तो मैं उसे मार के ही रहूँगी स्नो वाइट को। तो वो अपने सिपाही को बुलाती है। वो बोलती है, सिपाही जल्दी से उस स्नो वाइट का दिल लिया। फिर वो भागते हुए जाता है। फिर वो स्नो वाइट को आवाज़ लगाता है, बोलता है, मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर वो बोलती है, ऐसे नहीं। उस सैनिक को स्नो वाइट पे दया आ जाती है। तो वो यूँ कहता है, स्नो वाइट आप कहीं जंगल में भाग जाओ। तो वो यूँ कहता है स्नो वाइट से, मैं किसी का दिल ले आऊँगा हिरन का। यूँ कह दूँगा कि स्नो वाइट का दिल ले आया। तो वो हिरन का दिल ले आया था। तो ना वो फिर से पूछती है जादूयाई से। वो बोलती है, जादूयाई ने बता सबसे सुंदर कौन है। तो वो बोलता है, स्नो वाइट ज़्यादा सुंदर है। तो वो गुस्सा हो गई कि स्नो वाइट तो जिंदा है। तो वो गुस्सा हो गई थी। तो वो यूँ बोली, मैं तो उसे सबक सिखा के ही रहूँगी। तो वो खुद गई। वो यूँ बोल रही थी, सेब ले लो। तो वो सेब ले लो कह रही थी। तो स्नो वाइट ने ना सेब खरीद लिया। जैसे उसने खाया, एकदम वो मर गई और सारे बोने रोने लगे। जब ही राजकुमार आया, उसको किस किया और वो चबी जिंदा हो गई। तो उन दोनों की शादी हो गई थी। वो धूमधाम से रहने लगे। बाय फ्रेंड्स, आपको बताओ मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक भी कर देना और शेयर भी। बाय बाय।